कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। मैं श्योर हूं आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा। अब पहले तो देखो समझते हैं इसको, थोड़ा सा हम इलैबोरेट करते हैं। कॉन्फिडेंस किस किस फैक्टर से आता है आपकी लाइफ में? सबसे पहले तो आपका एक प्रॉपर पॉस्चर होना चाहिए, एक बढ़िया बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जिस जगह आप खड़े हो उस जगह की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आप प्रॉपर ग्रूम्ड होने चाहिए। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, अभी मैंने कल करवाई है कटिंग एंड शेव, तो आप ऑटोमेटिकली देखो वो कॉन्फिडेंस मेरे चेहरे पे आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर आप भी प्रॉपरली ग्रूम्ड होते हो ना, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस टू द टॉप पहुंच जाता है। और इसके अलावा जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका लुक्स। अब आप इस बात से अग्री करो या ना करो, आपके गुड लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। एंड इसके अलावा भी वी ऑल वॉन्ट टू लुक आर बेस्ट, और उसमें कोई बुराई है भी नहीं। जब आप अपने बेस्ट वर्जन बन सकते हो तो उसमें दिक्कत ही क्या है। पर एक ऐसी चीज जो हमारी लुक को परफेक्टली डिस्ट्रॉय करने का काम करती है वो है हमारे डार्क सर्कल्स, आंखों के नीचे के काले घेरे। मतलब ये इतने ढीठ होते हैं ना कि अगर एक बार आ जाए ना हटते ही नहीं है, चाहे जितनी महंगी अंडर आई क्रीम खरीद लो। और इसके साथ अंडर आई ड्राइनेस, अंडर आई रिंकल्स, पफिनेस, ये सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे को बहुत ज्यादा टायर्ड दिखाती है, और वो जो फ्रेश लुक हम डिजायर करते हैं वो हमें नहीं मिल पाती, जिससे होता क्या, हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा इस इशू को एड्रेस करना है बहुत ज्यादा जरूरी। मैं आप लोगों के लिए एक शानदार अंडर आई क्रीम रेडी करवाने वाला हूं जो आपने अप्लाई करनी है रात के वक्त। और अगर आपने इसको 2 हफ्ते के लिए अप्लाई कर लिया ना, यू विल सी अ चेंज, अ विजिबल चेंज। आपका अंडर आई एरिया विजिबली इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाएगा, और जो ये आंखों के नीचे ड्राइनेस होती है ना, इसको सच में इग्नोर मत किया करो। यही बहुत बड़ा रीजन बन जाती है अंडर आई रिंकल्स का और वो लूज स्किन का। और जब आपके अंडर आई रिंकल्स स्टार्ट हो गए ना, सही बता रहा हूँ, वो अपनी एज से ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाओगे। तो जितना जरूरी मॉइस्चराइजिंग आपका फेस है, आपका बॉडी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपका अंडर आई एरिया है। बिकॉज जो आपके आंखों के नीचे की स्किन होती है ना, बहुत ही ज्यादा पतली होती है। इनफैक्ट आपकी स्किन से अगर मैं कहूँ 2 टाइम्स पतली होती है। तो मेक श्योर क्या करो, आपने अंडर आई एरिया के लिए एक अलग से क्रीम आपको लेनी ही लेनी है। जो आपकी फेस क्रीम होती है ना, वो कंपैरेटिवली थिकर होती है और वो जल्दी अब्सॉर्ब नहीं हो पाती आपके अंडर आई एरिया पे। और जो हमारी आज की क्रीम है ना, वो तो रहने वाली है बिल्कुल ही परफेक्ट आप लोगों के लिए। उसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल बढ़िया रहेगी और आपके डार्क सर्कल्स पे विजिबली काम भी करेगी। तो बिना किसी डिले के अभी के अभी हमारी वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आगे वीडियो शेयर भी कर लो, बिकॉज आगे की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रहने वाली है। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ आगे, और आप लोगों के लिए तैयार कराते हैं बेस्ट एवर अंडर आई क्रीम टू ट्रीट डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स जो होते हैं ना, वो कुछ लोगों को बाय बर्थ भी होते हैं। अब देखो उसको तो ट्रीट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जो चीज़ जेनेटिक्स में मिली है उसको तो हम नहीं ट्रीट कर पाएंगे, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसी गलतियां जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, और वो बहुत मेजर रीजंस होते हैं डार्क सर्कल्स के। सबसे पहला रीजन, अंधेरे में फोन को यूज करना। सही बता रहा हूँ, ये आदत बिल्कुल ही छोड़ दो। इसके अलावा प्रॉपर नींद ना लेना, टुकड़ों में नींद लेना, बार बार अपने फोन को उठा लेना बीच में, ये गलतियां बिल्कुल मत किया करो। जब आप सोते हो ना, अपने फोन को किया करो साइलेंट, या मैं तो कहूँगा डू नॉट डिस्टर्ब मोड में कर दिया करो, और अपने से दूर रखा करो। इतना पास नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ उस तक पहुंच पाए। अगर देखो सीधा एक ह्यूमन नेचर होता है, जब कोई चीज़ आपके बहुत ज़्यादा पास होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ उसकी तरफ जाता है। थोड़ा सा आपने दूर रख कर देखो, देखो आपको खुद में खुद मन ही नहीं करेगा फोन उठाने का, और उससे आपके डार्क सर्कल्स बहुत हद तक बढ़ेंगे नहीं। इसके अलावा सही मात्रा में पानी ना पीना, ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है जो आप लोग करते हो। पानी पिया करो, हमारी स्किन बनी ही वाटर से होती है। अगर सही ढंग से पानी पियोगे ना, ऑटोमेटिकली पूरा फेस आपका ग्लोइंग लगेगा। और एक एजिंग फैक्टर्स, अब ये भी हमारे कंट्रोल के बाहर है। एक उम्र के बाद आपका ऑटोमेटिकली अंडर आई एरिया डार्क होना शुरू हो जाता है। उसके लिए परेशान मत किया करो, बस अंडर आई क्रीम लगाया करो। आपके अंडर आई रिंकल्स नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी एज से यंगर ही दिखोगे। इसके अलावा जो लास्ट फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डार्क सर्कल्स को बढ़ा देता है, वो है अंडर आई ड्राइनेस। आप अपनी आंखों के नीचे ड्राइनेस को इग्नोर मत किया करो। आपको अपने फेस को भी प्रॉपर मॉइस्चराइज करना है, पर उससे ज्यादा मॉइस्चराइज करना है अपने अंडर आई एरिया को। तो ये तो कुछ ऐसी गलतियां होगी जो आप लोग शायद करते आ रहे थे। इनमें से कोई गलती मत किया करो, और ऑटोमेटिकली आपके डार्क सर्कल्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ आगे, और आपको बताते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है आज की जबरदस्त अंडर आई क्रीम के लिए। इंग्रेडिएंट नंबर 1, जोजोबा ऑयल।
ये जो ऑयल है ना, ये बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए भी और आपके अंडर आई एरिया के लिए भी। ये एक बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट आपका बन गया है डार्क सर्कल्स के लिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत लाइट वेट होती है, बिल्कुल ही नॉन ग्रीसी होती है और जल्दी से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। साथ में इसके अंदर होते हैं बहुत से विटामिंस, बहुत से मिनरल्स जो आपका कोई भी डार्कर एरिया होता है ना उसको इल्यूमिनेट करने का काम करते हैं। अगर आपका फेस का कॉम्प्लेक्शन भी अनइवन है ना, कुछ पैचेस में डार्क हो रहा है, कहीं पे नॉर्मल लाइटर है, तो आप अपने फेस को जो जो ऑयल से मसाज करना शुरू कर दो हर रोज, एंड आपको विजिबल डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा अपने फेस पे। और साथ में ये एजिंग साइंस को भी बिल्कुल दूर रखने का काम करता है। और मैं सही बता रहा हूँ, जितना बड़ा कंसर्न आपकी अंडर आई का डार्क सर्कल्स है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा कंसर्न है अंडर आई रिंकल्स। जिन लोगों के अंडर आई रिंकल्स है वो श्योरली इससे रिलेट कर पाएंगे। तो जो ऑयल दोनों समस्या पे काम करेगा, डार्क सर्कल्स को भी हटाएगा और अंडर आई रिंकल्स को भी हटाएगा। इंग्रेडिएंट नंबर 2, एलोवेरा जेल। जो एलोवेरा जेल होती है ना, अगर आप सिर्फ उसको अकेले अपने अंडर आई एरिया पे लगाओ ना, तो वो स्किन को लाइटन और ब्राइटन कर सकती है। बहुत ही माइल्ड स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है एलोवेरा जेल में, बट आपकी स्किन के लिए रहती है बिल्कुल ही कमाल। और इसके अलावा जो पफिनेस और जो टायर्ड आईज एक बहुत कॉमन कंसर्न है हमारे व्यूअर्स का, उसको दूर करने का काम करती है। एलोवेरा जेल को थोड़ा सा ठंडा कर लिया करो, फ्रिज में रखकर फिर अपने अंडर आई एरिया पे लगाया करो। इतना सूदिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट देगी ना कि आपको बस मजा ही आ जाएगा। आपने अपने अंडर आई एरिया पे एलोवेरा जेल से 5-7 मिनट मसाज किया, देन 2 मिनट के लिए लीव ऑन किया, देन आपने वॉश ऑफ कर दिया, आपकी आंखें ऐसे फ्रेश हो जाएंगी ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। जब भी मेरे को मेरा फेस लग रहा होता ना यार शाइन नहीं है, डलनेस हो रही है, तो मैं एलोवेरा जेल लेता हूँ ठंडी और अपने फेस पे मसाज कर लेता हूँ 5 मिनट के लिए, और फेस एकदम से फ्रेश हो जाता है। और जब अंडर आई एरिया पे कर लो तो बस मजा ही आ जाता है। ऐसे लगता है कि जो रात की नींद हमारी बेकार हो गई थी ना, हम एकदम फ्रेश होकर उठे हैं। इंग्रेडिएंट नंबर 3, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग फ्रेग्रेंस होती है लैवेंडर ऑयल की, और अरोमा ऑयल्स में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। पर ये एक मल्टीटास्कर ऑयल है जो आपके डार्क सर्कल्स को भी विजिबली फेड करने का काम करता है, साथ में देता है एंटी एजिंग बेनिफिट्स। आपके डार्क सर्कल्स को तो हटाएगा, अंडर आई रिंकल्स को भी हटाएगा। और इसके अलावा लैवेंडर ऑयल एक बहुत ही कमाल का मॉइस्चराइजर है जो मेक श्योर करता है ड्राइनेस बिल्कुल भी ना आए। तो बेसिकली 3-in-1 प्रोडक्ट हो गया आपके अंडर आई एरिया के लिए। ड्राइनेस हटाएगा, डार्क सर्कल्स हटाएगा, अंडर आई रिंकल्स हटाएगा, और ये वही 3 कंसर्न है जो आप लोगों को परेशान करते हैं। इसके अलावा जो टायर्ड आईज होती है ना, या पफी आईज होती है जो रात को ना सोने की वजह से आप लोगों की हो जाती है, ये उसको भी दूर करने का काम करता है, बिकॉज इसकी फ्रेग्रेंस आपके माइंड को कर देती है रिलैक्स, जिससे आपकी आईज भी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है और आपके फेस पे ग्लो भी आ जाता है। बस दिस इज इट, ये 3 इजी इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली थी आज की कमाल के अंडर आई क्रीम के लिए। इंग्रेडिएंट्स नहीं है आपके पास, टेंशन नहीं लेने का, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाने का एंड हमारे लिंक पे क्लिक करो और प्रोडक्ट्स आपके डोरस्टेप पे पहुंच जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, आप इजीली अपने घर बैठे बैठे इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले तो ले लो एक मैंडेटरी ग्लास बोल, उसमें आपने डालना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच जोजोबा ऑयल, और बढ़िया ढंग से इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना शुरू कर दो। कुछ ही देर में जो आपकी एलोवेरा जेल है ना, वो क्रीम जैसी बन जाएगी वाइट कलर की, जो बड़ी ही खूबसूरत लगेगी। उसके अंदर आपने ऐड करना है 4 ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर ऑयल एंड अगेन बढ़िया ढंग से मिक्स करना है। अब आपकी ये अंडर आई क्रीम की अलग ही लेवल की फ्रेग्रेंस हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना अंडर आई क्रीम की, मैं आपको बता नहीं सकता। आप इस अंडर आई क्रीम को छोटे से कंटेनर में स्टोर कर रख सकते हो फ्रिज में, और आराम से हफ्तों तक इसको यूज़ कर सकते हो। अब यूजेज आपने बहुत अच्छे से समझनी है, आपने अपने फेस को प्रॉपरली क्लीन करना है और उसको सोने से पहले लगाना है। जो आपका अंडर आई एरिया है उस पर आपने इसको अच्छे से मसाज करना है फॉर लाइक 5-7 मिनट्स। जितना मसाज करोगे उतना फायदेमंद रहेगी ये क्रीम आपके लिए। आपके अंडर आई एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली क्रीम ज़्यादा अच्छी अब्जॉर्ब होगी और आपको ज़्यादा फायदेमंद देगी। आप यहाँ पर भी अपर लिप्स पे भी मसाज कर सकते हो, आपकी आईज बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएगी। अब आपने इस क्रीम को ओवरनाइट छोड़ देना है। अगर आप कोई भी नाइट क्रीम फॉलो करते हो तो वो नाइट क्रीम आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप कोई फेस सीरम अप्लाई करते हो तो फेस सीरम आपने इस अंडर आई क्रीम से पहले लगाना है। एक बेसिक रूल होता है कोई भी स्किन केयर फॉलो करने का, थिन टू थिक, हमेशा पतला प्रोडक्ट पहले लगता है। पहले आपका लगता है फेस वॉश, फिर आपका लगता है टोनर, फिर आपका लगता है सीरम। अगर आप कोई अंडर आई क्रीम लगाते हो तो वो उसके बाद लगेगी एंड देन आपका लगेगा मॉइस्चराइजर। तो हमेशा कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लेते हो तो ये रूल याद करा करो, थिन टू थिक प्रोडक्ट, और ऑटोमेटिकली आपको उस प्रोडक्ट का फायदा ज़्यादा मिलेगा। जब आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट गलत ऑर्डर में फॉलो करते हो ना, सपोज एक पतला प्रोडक्ट आप थिकर प्रोडक्ट के ऊपर लगा लोगे, वो आपकी स्किन की टॉप लेयर पर ही बैठा रह जाएगा और अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, और ये वाली अंडर आई क्रीम मात्र आप 2 हफ्ते लगा कर देखो एंड यू विल सी अ चेंज। और साथ में वो गलतियां मत करना जो स्टार्टिंग में बताया था, आपके डार्क सर्कल्स विजिबली कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका अंडर आई एरिया इल्यूमिनेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस पहुंच जाएगा टू द टॉप। वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर नहीं की है तो अब कर दो, क्या पता ये वीडियो उनके लिए कमाल कर जाए और आपको शुक्रिया बोलते ना थके। तब तक हम आपसे मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।